ये मेरे सैलरी में इंटरेस्टेड है, ये पूछ रहे हैं कि हम कितना सैलरी कमाते हैं। बाइक कहाँ? बैठो 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 इधर बैठो। अरे भाई चाबी, आपको भी तकलीफ नहीं है? लो चाबी और आराम से। अरे हम लोग हैं ना, कोई तकलीफ नहीं है आपका भाई। वो हॉस्पिटल गया है, हॉस्पिटल हो गया है मेडिकल के लिए। इट्स टाइम टू गो नाउ। Time is 8:37 and I already have loaded my luggage on my bike. This is the fourth day of ride. I'm done with the darshan of Sri Jagannath Bhagwan ji. सुबह सुबह 6 बजे ही जाकर मैं मंदिर के पास पहुंच गया था और एक पंडित जी के हेल्प से मैंने बहुत ही क्विक और अच्छा सा दर्शन लिया। वो हमारे साथ में थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया मंदिर के बारे में। बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ भगवान जी का। अब हम लोग, क्योंकि आप लोग नहीं देखे जगन्नाथ मंदिर, तो हम बाहर से आपको दिखा देंगे मंदिर और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे घर के लिए। देखते हैं कितनी दूर जा सकते हैं आज। सो ऑल सेट। तो एक्चुअली गूगल मैप मुझे यहाँ से राइट टर्न लेने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं राइट टर्न नहीं लूँगा क्योंकि लेफ्ट टर्न लेके मैं पहले जगन्नाथ टेम्पल मंदिर जाऊँगा। बाहर से उसका एक व्यू आप लोगों के लिए रहेगा और इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी वीडियो कॉल करके दिखाना है वो जगह, क्योंकि अभी वो मेरे साथ नहीं है, बट मेरा प्लान है उसके साथ में जब मैं बेंगलोर लौटूंगा अपने कार से तो इसी रूट से होते हुए जाऊंगा और उसको भी यहाँ पे टेंपल विजिट कराऊंगा। तो अभी एटलीस्ट उसको वीडियो कॉल करके मैं दिखा दूंगा कि कैसा लगता है ये टेंपल बाहर से। मॉर्निंग में मैं मोबाइल लेकर नहीं गया था, चप्पल जूते भी पहन के नहीं गया था जब मैं दर्शन करने गया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ना फ़ोटो क्लिक कर पाए ना मैं ना ही मैं वहाँ पे कोई वीडियो बना पाया। तो ये है हमारा समंदर आंध्र प्रदेश की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। ये खूबसूरत सा सी बीच। और जब मैं मॉर्निंग में निकला था तो उस वक्त इस तरफ बहुत ही अच्छा सा सनराइज़ हो रहा था अराउंड 6 o'clock, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है तो इस तरफ क्या होता है कि सूर्योदय थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ देखने के लिए मिला था। बट अगेन आई डिड नॉट हैव माय मोबाइल विथ मी, मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था तो मैं कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, बहुत लंबी राइड है और देखते हैं मंदिर और उसके बाद हम लोग आगे की राइड को कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं। ये है सीधे सीधे हमारे भगवान का मंदिर, श्री जगन्नाथ जी का। आई होप कि एक्शन कैमरा में विजिबल होगा। पैदल होते हैं बाइक को। तो मैंने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके मेरी वाइफ को दिखा दिया ये मंदिर। तो 757 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 1:11 पर सुबह पहुंचने का टाइम बता रहा है। तो ऑफ कोर्स इन द नाइट आई हैव टू स्टॉप समवेयर। हो गया मेरा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मनस्कामना पूर्ण हो, जगन्नाथ दर्शन फल प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम चतुर्वर्ग फल प्राप्त हो, महाप्रभु तुम चाकरी प्रमोशन हो, महाप्रभु जो भावना रहो तुम भावना पूर्ण करतु, सपरिवार मंगल हो, सर्वारिष्ट शांति करता। ओम नम भगवत महात शांति में जहाँ देवे गोटे भजन पाणी कर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर्वत जय हो। तुम पिला माने पाठ पढ़ु चाकरी करूँ भले। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। शांति दि गोटे भोजन पाणी कर। ଗୋଟେ 50 ଦିଅ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବି, ଖୁସିରେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମେ ତୁମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ଭଲରେ ରୁହ, ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଆସିଛ ତୁମ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ ଗାଡ଼ି ଏମିତିଆ ସଦାବେଳେ ଚାଲୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ତୁମର ହବ। ये हो जाया गरीब दुखिया ठाकुर इठी के आपण माने आसिले गरीब दुखिया को जदी देले प्रभु सब तुमको देबे। ये ला गरीब दुखिया ठाकुर खुशी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो मम्मी को
मैंने फ़ोन किया था सुबह में कि मेरे दर्शन हो गए, तो मम्मी पूछ रही थी कि तुमने बाइक का पूजा क्यों नहीं करा लिया यहीं पे। तो सुबह में तो नहीं कराया था, ये देखिए हो गया ऑटोमेटिकली, और अच्छे अच्छे आशीर्वाद भी मिले। क्राउड लग रहा है आगे में, चलिए चलते हैं हम लोग। भुवनेश्वर इज 59 किलोमीटर्स, सो दैट शुड बी माय फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक मच नीडेड ब्रेक, लगभग 80 किलोमीटर्स में राइड कर चुका हूँ। भुवनेश्वर मैंने पीछे ही छोड़ दिया अभी, और अभी मैं कटक के रास्ते में हूँ। टाइम हो गया है वो 10:53, 11 o'clock मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं पहुँच गया था 10:20 के आसपास में, 10:30 के आसपास में। तो 20-25 मिनट्स का ब्रेक लिया है मैंने यहाँ पे। मौसम थोड़ा गर्म है और इतना ईजी नहीं है राइड करना, और स्पेशली जब आप लगातार 3-4 दिन से राइड कर रहे हो तो थोड़ा ये टेस्टिंग टाइप का हो ही जाता है। अभी ऑलमोस्ट 668 किलोमीटर्स राइड करना है, 14 आवर्स 28 मिनट का राइड टाइम बता रहा है, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं जहाँ भी अंधेरा हो जाएगा 7-8 बजे के बाद मैं एकोमोडेशन सर्च करना शुरू कर दूंगा और वहीं पे मैं रोक लूँगा बाइक को। चलिए चलते हैं। ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ले लिया, बैक टू बैक ले लिया मैंने। एक तो लगभग 11 बजे मैंने स्टार्ट किया और 11:20 में ही मैंने 11:10 पे ही दूसरा ब्रेक ले लिया। भूख मुझे उस वक्त ही लगी थी, और जैसे ही ये ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ रोक दिया, हल्का फुल्का कुछ खा लिया मैंने। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक जगह है बांकुड़ा से थोड़ा पहले, वहीं पे स्टे करूँगा। 355 किलोमीटर्स है और अराइवल टाइम 7:24 है। 1.5 घंटे लेट भी हो गया, तो 8:30-9:30 के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा। तो 8:30-9:30 के पास पहुँच जाऊँगा, विच इज़ स्टिल फाइन। और फिर मैं बाकी बची जो 300 किलोमीटर की राइड रहेगी वो मैं कल उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, मुझे बहुत ही धुआंधार बाइक राइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। जब भी मैं कहीं पर रुकता हूँ बहुत भयंकर गर्मी लगती है, गर्मी का मौसम है अभी, लेकिन उसके बाद जब बाइक चलती है तो ऐसा होता है पूरे बॉडी में एयर कंडीशन लग गया हो। पता नहीं, ये थोड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है, उधर से आते ही गूगल मैप मुझे शार्प लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, बहुत ही नीचे जा रहा है ये रास्ता, ये मुझे नहीं लगता है फ्रिक्वेंटली यूज्ड रूट होगा किसी भी लॉन्ग रूट पे जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए। ये कुछ अजीब से रास्ते में लेके जा रहा है मुझे गूगल मैप। मैंने बांकुड़ा के लिए गूगल मैप सेट करके रखा है जो खड़गपुर होते हुए जाती है। ऐसा रास्ता पकड़ाएगा आगे में जाकर, अभी तो फिलहाल ये अलग सा ही लग रहा है। मतलब
बाइक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इस तरह के रास्ते में भी बाइक का जो शॉकर सिस्टम जो भी है, जो ये गड्ढों को एब्जॉर्ब कर रही है, छोटे बड़े हम या अनइवन रोड को जिस तरह से ये बाइक मैनेज कर रही है, इट्स रियली अमेजिंग, वेरी नाइस बाइक। इंजन के गर्म होने का एक इशू तो है, थोड़ी देर भी बाइक चलाने के बाद इसका रेडिएटर ऑन हो जाता है, जोर जोर से पंखे चलने लगते हैं। ये एक अलग सा ही रूट का अनुभव दे रहा है गूगल मैप। तो एक अगर मैं छोटा सा अपडेट आपको दे दूं, भुवनेश्वर पैच पूरी से लेके यहाँ तक एक्सेप्ट दिस पैच अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। एक दो जगह पे थोड़ा सा डिविएशन है, मेन रोड पे काम चल रहा है नेशनल हाईवे पर ब्रिजेस के, तो वहाँ पर हल्का सा डिविएशन देते हैं और फिर से मेन रोड में कनेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। भुवनेश्वर के इन एंड अराउंड वाले एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इस वजह से उस जगह मेरा जो एवरेज स्पीड है वो कम हो गया था। तो दैट सीम्स टू बी ए वेरी बिग हाईवे एक्चुअली ऑन द मैप, तो आई फील लाइक दिस रूट विल बी कनेक्टिंग मी टू दैट रूट आफ्टर सम डिस्टेंस। तो It sound right, boy. ब्रेक ले लिए हम एक, और हमारे ही तरफ के एक भाई साहब मिल गए हैं अररिया के। नहीं भैया, आपका सैलरी कितना है? क्या पूछ रहे भाई? आपका सैलरी कितना है भाई? तो ये मेरे सैलरी में इंटरेस्टेड है, ये पूछ रहे हैं कि हम कितना सैलरी कमाते हैं। मेरा सैलरी है कितना होना चाहिए पहले आप बताइए, मेरा सैलरी कम से कम होना चाहिए 50,000। आपका जो इंचार्ज है उसका 50,000 है, आपका कितना है? 11,000। आपका 11,000 है, 50,000 आप मेरा बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है मेरा सैलरी 50,000? थोड़ा और कम है, 10,000। तब तो हम आपका ही कम शुरू कर देते हैं। कितना होगा? वही 15 होगा, नहीं तो 20-25 होगा। 15-20-25 22,000। अब ये थोड़ा सा बढ़ रहे हैं सैलरी मेरा, थोड़ा और ऊपर 26। अब हम कैमरा का रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और इनको बताते हैं मेरा सैलरी क्या है। हम इनको सैलरी बता दिए, ये नहीं बताएंगे आपको कि मेरा सैलरी कितना है। ठीक है ना? तो हम इनके साथ में रेस्ट कर रहे हैं, बाइक भी रेस्ट कर रहा है, और थोड़ा पानी पियेंगे। पानी भी गर्म हो गया, बॉयल हो गया है पीछे में रखा। तब तक कैमरा ऑफ करके इनसे हम थोड़ा सा गप सप करते हैं, हमारे ही तरफ के हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बैठे बैठे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर बढ़ गए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवर आलम। मोहम्मद अनवर आलम जी मेरे एक सब्सक्राइबर बन गए। वीडियो देख कर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी ये देखे भी नहीं है, बोल रहे बहुत अच्छा लगा। देख देख के बताइएगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ से कम 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। बाइक के लिए भी ज़रूरी है, अगेन मेरे लिए भी ज़रूरी है। चलते हैं भाई, बढ़िया लगा बात करके, अच्छा खासा टाइम पास हो गया मेरा बात करते करते। बहुत लंबा सफ़र है, अभी भी जहाँ जा रहे हैं वो 290 किलोमीटर दूर है, 8:15 पहुंचने का टाइम बता रहा है गूगल। कितना भी चलाते हैं ना गूगल मैप कम ही कर देता है उसको। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ कैसे मिलेंगे? चलो बाय बाय।
गोभी मंचूरियन होगा क्या? गोभी मंचूरियन वेज नॉन वेज राइस? नहीं नहीं नॉन वेज नहीं चाहिए, वेज में कुछ। वेज में रोटी खाएगा ना चावल खाएगा? नहीं नहीं कुछ फास्ट फूड चाइनीज टाइप का। चाइनीज का नहीं होगा। चाइनीज में क्या है? फ्राई व्राई करके क्या देते हैं? पनीर मसाला होगा। हाँ वो रहेगा। मशरूम होगा। मशरूम मसाला होगा। मिक्स वेज होगा। हाँ चना मसाला होगा। हाँ ठीक ठीक होगा। नहीं नहीं वो सब नहीं, बस वो पनीर फ्राई सब करके। पनीर पनीर फ्राई मतलब पनीर मसाला नहीं, पनीर फ्राई। पनीर फ्राई हाँ, वो पनीर चिली टाइप का जो नहीं होता है थोड़ा सा वो बना दीजिए यार, तो हम आते हैं। कितने का है आप बता दीजिए। जब हम बाइक राइड करते हैं ना तो दिन भर में कोई ना कोई और एक वक्त ऐसा होता है जब बहुत बोर कर रहा होता है, और एक वक्त ऐसा होता है जब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी जो मैंने एक स्टॉप किया था एक ढाबे के ऊपर, वहाँ पर मैंने पनीर मंचूरियन बनवा के खाया था, उसके बाद से जो मैं निकला हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अल्टीमेट चीज़ है। So one of the dominoes which you would have seen in my video just a while ago, we both had a very good discussion over here. We had tea over here. I don't usually take tea, but I stopped here with him. ओके, तो लगेज थोड़ा मूव हो रहा था, लगेज इन द टर्म्स ऑफ मेरा ये बैकपैक, इसको मैंने थोड़ा टाइट कर दिया अच्छे से। और अगेन प्लीज़ डोंट टेल मी कि मैंने बाइक को मेन रोड पे पार्क किया है, 2 मिनट के अंदर में मैं भाग जाऊँगा। मैंने इंडिकेटर ऑन करके रखा हुआ है। खड़गपुर यहाँ से आई थिंक 70 किलोमीटर्स के आसपास होगा, एंड वहाँ से अगेन जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में विश्वासपुर या कोई जगह पर है, होटल मैंने बुक किया हुआ है ऑलरेडी, वो 80 किलोमीटर्स के आसपास है। तो हम लोग चलेंगे, होपफुली माई बैग विल नॉट मूव नाउ, एंड बैटरी है ड्रेंड ऑफ माई मोबाइल, सो आई पुट इट इन टू चार्ज। चलिए चलते हैं। इसी के साथ हम लोग वेस्ट बंगाल में इंटर कर चुके हैं। वहाँ क्रॉस कर रहे हैं वो लाइन, वहाँ क्रॉस कर रहे हैं हाँ, वो क्रॉस कर रहे हैं, मैं उधर से आ रहा हूँ, मेरी गलती क्या है बताइए। तो अभी कोई नहीं, कोई आदमी कुछ कुछ नहीं बोला ना, वही ना। ठीक है, हम जो हो सकता है मेरे तरफ से हम करेंगे,
मेरा यही है कि हम नहीं चाहते कि मेरे वजह से किसी का नुकसान हो। हम लोग रोड पे इसके लिए नहीं निकलते हैं। तुम तो निकले में तो निकल जाता ना, कोई तकलीफ नहीं। हम नहीं भागने के लिए, हम क्यों किसी का हो गया, मतलब क्या कहाँ से टूटा है, टूट गया है गया है मेडिकल के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं है, जहाँ होगा तो इसका बाद बात करके पता बात होगा, ठीक है। आप बैठो, आराम से बैठो। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं ये देखने के लिए कि उनका हालत कैसा है। तो हम लोग हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, पता नहीं उनकी स्थिति कैसी है। 10,000 रुपया भी निकल नहीं सकता है आदमी, ठीक है। तो आप जानबूझ के, आपका ऊपर भरोसा है, हम भी आप बाहर का आदमी क्या करेगा, वो भी बाहर का आदमी क्या करेगा। देखिए चला जाइए, आपके हिसाब से जो है अभी थोड़ा काम हो जाए, फिर आपका नंबर दे दीजिए, जरूरत होगा तो इधर से जिस नंबर पे गूगल पे है वो दे दीजिए, मतलब अकाउंट का नंबर दे देंगे, अकाउंट या गूगल पे दे देंगे, उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, और ये भी देखिए कि मेरी गलती कितनी है इसमें, मेरी गलती कितनी। उस जगह अगर यही बस फोर व्हीलर ट्रक रहता ना, तो आज ये नहीं जीवित रहते। ये मैं हूँ, मेरी नई गाड़ी, ये ब्रेक है इसमें अच्छी, तो मैं रोक दिया। बाकी बस ट्रक किसी को नहीं दिखेगा उस जगह की कौन क्रॉस कर रहा है, तो ये तो होता रहता है। ठीक है, अभी रास्ते में चलते तो ऐसे छोटा मोटा चीज होता रहता है, उतना टेंशन लेने का भी आपको जरूरत नहीं है, समझ गए ना। आपका नंबर बोलिए, 831093 जो चालू रहता है। हाँ 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 हाँ, वही नंबर है, 831093। आपके पास नंबर है? हाँ हाँ, आएगा कॉल, अगर रिंग जाएगा तो आएगा। बज रहा है? हाँ, गया फोन? हाँ हाँ, ये आ रहा है। ठीक है, शशि जी ना? हाँ, शशि रॉय। हाँ, आपका एक खर्चा पड़ेगा साइकिल का। हाँ, जो है। हाँ, बाकी यहाँ पे अगर 2 रुपया खर्चा होगा तो वही बोलेंगे। हाँ, 4 रुपया होगा तो वही बोलेंगे। हाँ, कोई इधर उधर नहीं करना, नहीं, है, ठीक है। आप कुछ अभी दे जाइए आपके हिसाब से, गूगल पे यूज नहीं। हाँ, वो मैं कर दूंगा, वो कर दीजिए। हाँ, कर दीजिए। कार पास गूगल पे कर हुए वो कर दीजिए, और आपके साथ फोन में बात होता रहेगा, जो कुछ आपके हिसाब से कॉल करेंगे। आप अभी राइट करेंगे, पहुंचेंगे 10-11 सुबह शाम को बात, कल सुबह बात होगा। हाँ हाँ, अभी नहीं, वही कर दीजिए। जब टाइम मिलेगा आपके ऊपर भरोसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप भरोसा कीजिए, मैं वैसा हूँ ही नहीं मैं अभी। और जिस तरह का मैं, अगर जरूरत होगा मिदनापुर लेके जाने का, रिपोर्ट आएगा तो आपको भेजेंगे। अगर डॉक्टर बोला कि नहीं ले जाना, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, जो ट्रीटमेंट होगा उसके हिसाब से। हाँ, और जो भी खर्च होगा तो इंश्योरेंस है मेरे पास, सिर्फ डॉक्यूमेंट इनके सारे मेडिकल से रिलेटेड वाले डॉक्यूमेंट हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नंबर तो दीते होंगे, नंबर दो, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 89 देख लो, हिस्ट्री। हाँ, हाँ, इस जगह का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, जहाँ पर मैंने ये होटल बुक किया है। ये बांकुड़ा से 30 किलोमीटर पहले है, बट आता बांकुड़ा में ही है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। रात में तो मुझे नींद नहीं आई टेंशन के मारे, बट लोग बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मतलब समझा कि मेरा मिस्टेक नहीं है। हम लोग बिहार में इंटर करने वाले हैं। कुछ तो हो गया यहाँ पर फिर से। ओ माय गॉड, मेजर एक्सीडेंट लग रहा है। Oh my God, no. It sound right, boy.